हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, और इस तकनीक की मदद से एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के सवाल हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम गलतियां नहीं पकड़ पाते, हम खुद पकड़े जाते हैं और हम मार्क्स लूज करते हैं। आज मैंने सिर्फ 8 उदाहरण लिए हैं। इन 8 उदाहरण को अगर आप समझेंगे, आई एम श्योर आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आप बेटर स्कोर कर पाएंगे, और आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फाइंडिंग एरर्स, रिप्लेसिंग द वर्ड इत्यादि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप बना पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं। मैंने सिर्फ 8 एग्जाम्पल लिए हैं, ओनली 8, और इन 8 एग्जाम्पल्स में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे जो मुश्किल डिफिकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये इसलिए किया है कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए एंड यू कैन डू वेल। चलिए लेट स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, श्याम आर स्टडिंग इन द क्लास। अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर श्याम तो सिंगल है, आर स्टडिंग ये गलत है। तो सही बात है, आप लोग बिल्कुल सही हैं कि अगर ये श्याम सिंगल है तो ये शब्द आर क्या कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। श्याम सिंगल है तो आर नहीं लगेगा, जो सही शब्द लगेगा वो है इज। श्याम इज स्टडिंग इन द क्लास। और इस पूरे लेसन में हमको समझना है कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगा वो मैचिंग वर्ब होना चाहिए, और जो प्लूरल एक से ज्यादा है उसके साथ भी मैचिंग वर्ब लगना चाहिए, इज, आर इत्यादि। ये हर टेंस में लागू होता है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप सीखते रहेंगे। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड गीता इज स्टडिंग इन द क्लास। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इंसान बढ़ा दिए। अब एक नहीं दो इंसान है, एक तो हो गया मोहन का दोस्त और एक गीता। मोहन का दोस्त और गीता क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको यह पहचानना है कि जब ये दो लोग मिल गए तो ये जो वर्ब आएगा साथ में वो आर होना चाहिए, तो इज जो है ये गलत है। इज सिंगल के साथ इस्तेमाल होता है, और मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी के साथ गीता के साथ चुपचाप इज लगा दिया कि आप अगर कंफ्यूज हो जाएं तो गीता के साथ इज को सही मान लेंगे और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मोहन का दोस्त और गीता दो अलग अलग इंसान हैं, और दो मिला के प्लूरल होता है, इसीलिए इज नहीं लगेगा, सही आंसर है आर, आर लगेगा, विच इज करेक्ट। आपको ये देखना है कि कहीं एग्जाम में, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, फाइंडिंग एरर्स हो, रिप्लेस द रॉन्ग वर्ड विद द करेक्ट वर्ड हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आपको पकड़ा जाता है, जिसने ये आंसर पकड़ लिया उसके फुल मार्क्स, जो नहीं कर पाया उसके जीरो या नेगेटिव भी आएंगे। चलिए लेट्स गो अहेड, एग्जाम्पल नंबर 3। द टाइगर इन द बुशेस वर वेटिंग फॉर द डियर। सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है टाइगर, टाइगर जो कि झाड़ियों में हिरन का इंतजार कर रहा था। तो टाइगर क्या है, सिंगल है कि प्लूरल है, टाइगर सिंगल है। तो टाइगर सिंगल है तो ये वर शब्द क्या कर रहा है, ये गलत है। अगर सिंगल है तो साथ में सिंगल शब्द आएगा, विच यू माइट नो इज वॉज, द वर्ड इज वॉज। टाइगर सिंगुलर तो वर्ड लगेगा साथ में वॉज वेटिंग। अगर बहुत सारे शेर होते, बहुत सारे शेर होते तब ये वर होता, वर वेटिंग, लेकिन इस केस में दिस इज वॉज, क्लियर है। चलो लेट्स गो टू दी फोर्थ एग्जाम्पल। धीरे धीरे करके मैं शब्द बढ़ा रहा हूं, आप लोग आसानी से लेकर डिफिकल्ट तक का रास्ता अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स हु थिंक अ लॉट अबाउट देयर फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पफुल। बात किसकी हो रही है, उन स्टूडेंट्स की जो अपने दोस्त के बारे में बहुत सोचते हैं, इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो आप, बात हो रही है स्टूडेंट्स की या उनके दोस्त की, बात हो रही है स्टूडेंट्स की। कौन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो अपने दोस्त के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, और इज क्या कर रहा है यहां पे, इज का इस्तेमाल गलत है,
इसको हम रॉन्ग मार्क करते हैं और सही आंसर क्या होगा? आर. सो आर इज द करेक्ट आंसर. आर ऑलवेज हेल्पफुल. स्टूडेंट्स प्लूरल है, साथ में मैचिंग वर्ब आर आएगा. एक चीज और जो हमने इस समय करी है, हमने जो सब्जेक्ट है और जो क्रिया है उसके बीच में दूरी बढ़ा दी. दूरी कैसे बढ़ाई? हमने कई सारे शब्द डाल दिए. हु थिंक अ लॉट अबाउट देयर फ्रेंड, ये हमने सारे शब्द यहां से लेकर यहां तक डाल दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए. अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रेंड के. तो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आंसर इज आर. ठीक है, ये धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा. लेट अस गो फॉरवर्ड. एग्जाम्पल नंबर 5. दीपक रनिंग फास्ट इन द इवनिंग टू मीट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी. कौन खुश है आपको अपने आप से पूछना है. और जब इंग्लिश में प्रॉब्लम आए हिंदी का इस्तेमाल कर लें. कौन खुश है? दीपक खुश है. दीपक सिंगुलर है. दीपक शाम को तेज दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत खुश है. तो आर क्या कर रहा है यहां पे? ये शब्द आर गलत है. दीपक की बात हो रही है, उसके दोस्तों की बात नहीं हो रही. चालाकी मैंने क्या करी कि मैंने दोस्तों के साथ में ये शब्द आर लगा दिया. ये देखिए, ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स शब्द है और आर बगल बगल में है आपको कंफ्यूज करने के लिए. लेकिन आपने समझना है कि दीपक की व्याख्या हो रही है कि दीपक तेज दौड़ते हुए शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत खुश है. दीपक सिंगुलर, तो इज नहीं आएगा, गलत है. और सही जवाब है दीपक. आर नहीं आएगा, इज आएगा. दीपक इज वेरी हैप्पी. सिंगुलर सिंगुलर एंड दिस इज करेक्ट. एवरीबडी फाइन? आई होप दिस इज क्लियर. चलिए एग्जाम्पल नंबर 6. द एम्प्टी बॉक्स विच वॉज वंस फिल्ड विद ओल्ड कॉपर कॉइन्स आर केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ रूम. अब आपने ये तय करना है कि बात किसकी हो रही है, खाली डब्बे की या पुराने सिक्कों की. जी हां, अभी तक आप पढ़ के देख के समझ गए होंगे, बात हो रही है खाली डिब्बे की. खाली डिब्बा है, उसको कमरे के किनारे रखा हुआ है, द एम्प्टी बॉक्स. और उसकी व्याख्या करने के लिए हमने कई शब्द लगा दिए, विच वॉज वंस फिल्ड विद ओल्ड कॉपर कॉइन्स, ताकि जो सब्जेक्ट है एम्प्टी बॉक्स और ये वर्ब है इसके बीच में गैप आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं. लेकिन अगर आपने पकड़ लिया कि कमरे के कोने में कौन रखा है, एम्प्टी बॉक्स रखा है, एम्प्टी बॉक्स सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा, ये गलत है. आर इज रॉन्ग. सही शब्द क्या होना चाहिए? यस, दैट इज करेक्ट. द एम्प्टी बॉक्स इज केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. जब भी आपको शक हो, जब भी आपको डाउट हो इस टाइप की बनावट में, ये जो कॉमा से लेके कॉमा तक की जो चीज है उसको हटा के देखिए. द एम्प्टी बॉक्स इज केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अब ये सही लग रहा है. आर होता तो गलत होता, इसके साथ बिल्कुल सही है. एंड दिस इज आर सिक्स एग्जाम्पल. चलिए लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 7. अब इसमें समझना है कि सब्जेक्ट कौन है. द ओनली प्लेयर सेलेक्टेड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ फ्यू हंड्रेड डिजर्विंग प्लेयर्स वर कंग्रेचुलेटेड बाय एवरीवन इन द रूम. रूम में कौन कंग्रेचुलेट हुआ, बधाई किसको मिली? सिर्फ उस खिलाड़ी को जो सैकड़ों अच्छे खिलाड़ियों में से चुना गया था, उसको सबने बधाई दी. सबके द्वारा बधाई उसने प्राप्त करी. किसने? सिर्फ एक खिलाड़ी ने जो सेलेक्ट हुआ. किसको बधाई मिली? उस खिलाड़ी को बधाई मिली. तो वो खिलाड़ी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है. वो खिलाड़ी सिंगुलर है, तो ये वर क्या कर रहा है यहां पे? वर इज रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर इज वॉज. क्योंकि द ओनली प्लेयर सेलेक्टेड, सिर्फ एक खिलाड़ी जो सेलेक्ट हुआ था, और ये वॉज मैचिंग है. सिंगल के साथ सिंगल शब्द लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगता है, सिंगल के साथ वॉज लगता है. देयरफॉर अगेन क्वेश्चन ने चालाकी क्या करी आपके साथ, हमने आउट ऑफ अ टोटल ऑफ फ्यू हंड्रेड डिजर्विंग प्लेयर्स को ठीक वर्ब के साथ लगा दिया. अब आप सोच रहे हैं फ्यू हंड्रेड डिजर्विंग प्लेयर्स वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, लेकिन सही आंसर वॉज है, वॉज कंग्रेचुलेटेड. आपने इस अलग सब्जेक्ट या एक अलग नाउन जो आ गया उससे कंफ्यूज नहीं होना है. अपने वर्ब से मैचिंग नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब पैरिटी अच्छी तरह से करनी है. ठीक है, तो वॉज इज द राइट आंसर. लेट अस गो टू द लास्ट एग्जाम्पल. केतन्स फ्यू डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड्स, उसके काफी अच्छे दोस्त को लगा कि जो कुछ हजार सफेद सर्दी के मौसम की चिड़ियों की जो फ्लाइट थी वो बहुत स्पेशल थी.
सब्जेक्ट क्या है, केतन सब्जेक्ट है, उसके दो सब्जेक्ट हैं, या ये हजार चिड़िया सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट? इनमें से कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट है उड़ान। केतन के कुछ खास दोस्तों को लगा कि कुछ हजार चिड़ियों की उड़ान बहुत स्पेशल थी। उड़ान स्पेशल थी, ना केतन स्पेशल था, ना चिड़िया स्पेशल थी, ना उसके दोस्त स्पेशल थे, उड़ान स्पेशल थी। तो उड़ान क्या होगी? फ्लाइट, सिंगुलर, एक फ्लाइट है, चाहे हजारों चिड़िया हो लेकिन फ्लाइट एक है। तो उसके साथ ये वर्ब क्या कर रहा है? दिस इज रॉन्ग। इस तरह से हमने सब्जेक्ट पकड़ना है और फिर वर्ब को देखना है। तो इसका सही एग्जाम्पल होगा, फ्लाइट ऑफ अ फ्यू थाउजेंड बर्ड्स वॉज इनडीड वेरी स्पेशल, वॉज वेरी स्पेशल। तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, मैचिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब की पैरिटी करना बहुत जरूरी है। चाहे आपको कोई भी कंफ्यूजिंग सेट ऑफ वर्ड्स दे दिए जाए, आपने अगर इंग्लिश में नहीं हो रहा है हिंदी में बोले और सब्जेक्ट ढूंढे और साथ में मैचिंग वर्ब लगाएं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे आप 4-5-6 और क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यू विल स्कोर बेटर, आपको अच्छा लगेगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक नई चीज सीखेंगे। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।